उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बीच एक बार वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। एक और दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो लगातार परेशान भी कर रही हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या 275, 280 या उससे भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि करीब 200 शव ऐसे हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। हादसा 2 जून की शाम को हुआ था। 4 जून की शाम तक भी करीब 200 शव ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है। इन सारे शवों को एक जगह रख दिया गया है। इनकी तस्वीरों को वेबसाइट पर अपलोड करने की कोशिश चल रही है ताकि इनके परिजन चेहरा पहचान सकें, आकर शव की शिनाख्त कर सकें, लेकिन ये सारा काम बहुत मुश्किल है। करीब 200 शव ऐसे हैं जो अभी भी अज्ञात हैं। पता नहीं है कि ये किसके शव हैं। गर्मी का मौसम है, उड़ीसा में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस बीच करीब 48 घंटे बीत जाने पर ये शव अब धीरे धीरे सड़ने भी लगे हैं। ऐसे में वहाँ प्रशासन की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि करीब 200 शवों की शिनाख्त आखिर कैसे होगी। उड़ीसा सरकार का यह भी कहना है कि इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो प्रवासी मजदूर थे, जो बंगाल और उड़ीसा के बीच ट्रैवल करते हैं और प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो उनकी पहचान सुनिश्चित कर सके। ऐसे में ये सारे शव फिलहाल अज्ञात की कैटेगरी में हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इनकी सूचना दूर दूर तक पहुँचाई जा सके ताकि जो भी इनके परिजन हैं वो आकर शवों की शिनाख्त कर सके। लेकिन चूंकि नंबर्स इतने ज़्यादा हैं मृतकों के और ये काम काफ़ी मुश्किल जान पड़ रहा है, उड़ीसा सरकार की कोशिश है कि सभी के चेहरे वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकें ताकि लोग वेबसाइट के थ्रू या अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया से इनके परिजन जान सकें कि आखिर उनके परिजनों के शव कहाँ पर हैं और आकर उस शव को रिसीव कर सकें, शवों की पहचान हो सके। बालासोर हादसे में मृतकों के ऑफिशियल नंबर्स 275, 280 ऐसे भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करीब 1000 लोग ऐसे हैं जो कम या ज्यादा जख्मी हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, सबका इलाज चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि 3 जून को ही वहां पहुंच गए थे, वो लगातार घटनास्थल पर भी बने हुए हैं। अस्पताल भी बीच बीच में जाकर घायलों का हालचाल ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को भी इस पूरे ऑपरेशन में एक्टिव कर दिया गया है ताकि घायलों का इलाज, बेहतर इलाज सुनिश्चित हो सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।